हेलो स्टूडेंट्स, हम कह रहे थे फेडरल पार्लियामेंट, स्विट्जरलैंड की जो फेडरल पार्लियामेंट है आज के टाइम में इसकी जो पावर्स हैं वो डिक्लाइन कर गई हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास चली गई हैं। लेकिन जो फेडरल पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेचर होती है, लॉ बनाने की सभी राइट्स फेडरल पार्लियामेंट के पास होते हैं। तो आज हम उसी का फंक्शन करेंगे, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड कमेटी सिस्टम इन स्विस पार्लियामेंट। स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट में कैसे लॉ बनाई जाती हैं और उनकी कमेटी सिस्टम कैसा है, तो जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होती है इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो बिल्स हैं इन बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड जो स्विट्जरलैंड की फेडरल पार्लियामेंट है इसके टू हाउसेस है, अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस को सेनेट कहते हैं, जिसमें जितने भी कैंटन्स हैं इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। एंड लोअर हाउस जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, इसमें पॉपुलेशन के बेस पर कैंटन्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई है। एंड इसमें क्या किया जाता है, जो बिल्स हैं वो इंट्रोड्यूस लोअर हाउस या अपर हाउस दोनों में से भी किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड जो मेंबर्स हैं फेडरल पार्लियामेंट के, इसमें क्या है, जो फेडरल गवर्नमेंट है फुल एंड हाफ कैंटन्स हैं, इन सबको राइट दिया गया है कि वो बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो फेडरल पार्लियामेंट है इस पार्लियामेंट में सभी के सभी मेंबर्स पार्लियामेंट के हो, गवर्नमेंट के हो, फुल एंड हाफ कैंटन्स के मेंबर हो, वो भी फेडरल पार्लियामेंट में बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। इस तरह सभी लोगों को, सभी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, इनको राइट दिया गया है कि वो बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड जब पीपल हैं वो भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग इनिशिएटिव के थ्रू, वो भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो बिल्स हैं इनको इंट्रोड्यूस तो कोई भी ऑर्गन कर सकता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द बिल्स हैं वो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किए जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इनके रिगार्डिंग जी कहा जाता है कि 95% बिल्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन, जब इंट्रोडक्शन होती है इंट्रोड्यूस तो कोई भी कर सकता है, तो इंट्रोड्यूस कहाँ पर किए जाते हैं, मनी बिल है चाहे ऑर्डिनरी बिल है, इसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे इंडिया में है, इंडिया में अगर मनी बिल है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्विट्जरलैंड में मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसको भी किसी भी हाउस में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जी कन्वेंशन है कि जो मनी बिल है इसको लोअर हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब भी सेशन स्टार्ट होता है, सेशन की स्टार्टिंग में जो फेडरल गवर्नमेंट है इसका प्रेसिडेंट होता है, वो लिस्ट प्रिपेयर करता है कि कौन कौन से बिल हैं जो इस सेशन में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो वो बिल की जो लिस्ट है वो लिस्ट लोअर हाउस एंड अपर हाउस इन दोनों के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, इनको दे देते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया फेडरल गवर्नमेंट सेशन की स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट डे ही बता देती है कि कौन कौन से बिल इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो इस तरह सेशन में क्या कुछ होगा, कौन से बिल होंगे, वो पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है। इसके बाद ये कहा जाता है, जब एक पर्टिकुलर बिल है या रेजोल्यूशन है इसको अगर एक हाउस में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये समझ लिया जाता है कि उसको ऑटोमेटिकली जो सेकंड हाउस है उसमें भी एज वेल इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इट इज ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड टू हैव बीन इंट्रोड्यूस इन अदर हाउस एज वेल, दूसरे हाउस में भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर इसको अपर हाउस में इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट है उसको फिर लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही हाउस में इंट्रोड्यूस करता है। जब एक हाउस से वो बिल पास हो जाता है तो उसको सेकंड हाउस में भेज दिया जाता है। इस तरह बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है। बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद आती है कमेटी स्टेज, जो हर एक कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, जो बिल है फर्स्ट
मीटिंग होती है वो होती है जो फेडरल पार्लियामेंट है, और उसके बाद बिल की सुपरविजन के लिए, इसको रिवाइज करने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए इसको कमेटीज के पास भेज दिया जाता है। तो बिल कौन सी कमेटी के पास भेजा जाएगा, तो इसको कंसर्न कमेटी है, उसके साथ ही रेफर किया जाता है। अगर बिल मनी बिल है तो जो फिनांस की कमेटी है उसके पास रेफर किया जाता है। डिफेंस के साथ रिलेटेड है तो डिफेंस कमेटी को रेफर किया जाता है। इस तरह बिल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज को रेफर किए जाते हैं, एंड जो इसमें कमेटी है वो कमेटीज के पास कोई भी इम्पावर नहीं है, तो वो बिल है, बिल का फंडामेंटल्स है इसको चेंज कर दे तो उसके पास कोई भी पावर नहीं है टू चेंज द फंडामेंटल्स ऑफ द बिल्स। लेकिन जब हम अमेरिका में करते थे, अमेरिका में जो बिल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बाद जब कमेटीज के पास जाते हैं तो उसका फंडामेंटल सिर्फ टाइटल को छोड़कर वो कुछ भी चेंज कर सकती थी। लेकिन इसमें क्या है, जो कमेटीज हैं कमेटीज सजेशन दे सकती हैं और इसके अलावा वो खुद ही कुछ भी ज्यादा फंडामेंटल्स हैं वो चेंज नहीं कर सकती हैं। इनके सजेशन भी मानना या ना मानना फेडरल पार्लियामेंट की अपनी मर्जी होती है, तो ये मैंडेटरी भी नहीं है कि इनके सजेशन हैं वो माने जाएंगे। जो कमेटीज होती है वो ड्यूरिंग सेशन और कंप्लीशन ऑफ सेशन भी आपस में मिलती रहती हैं ताकि जो बिल्स हैं इन पर डिस्कशन हो सके। और उसके बाद आता है पासिंग ऑफ द बिल इन द हाउस। जिस बिल में जी इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें फिर बिल को कैसे पास किया जाता है, तो कमेटी स्टेज में गया, कमेटी स्टेज है इसमें अपनी रिपोर्ट देगी। जब इसकी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट को डिस्कस किया जाता है, तो जो डिस्कशन है वो होती है स्टार्ट आर्टिकल वाइज। हर एक सेक्शन में आर्टिकल में इसकी डिस्कशन हो जाती है, तो हाउस में डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है। तो डिस्कशन के बाद अगर कुछ चेंजेस है वो चेंजेस किए जाते हैं, और उसके बाद जब पूरा का पूरा बिल डिस्कस हो जाता है उसके बाद उस पर वोटिंग होती है। अगर मेजोरिटी ऑफ वोटर्स है इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, अप्रूव कर दे, तो मान लिया जाता है कि बिल पास हो गया। तो इसका मीनिंग हुआ कि एक हाउस में जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया था उस हाउस में बिल है उसको पास कर दिया गया। उसके बाद जो बिल है वो अदर हाउस में रेफर कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो फिर उसके बाद जो अनदर हाउस है, अगर लोअर हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था अब अपर हाउस में जाएगा, अगर सेनेट में रिप्रेजेंट किया था तो उसको अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसमें भेजा जाता है। तो जो अनदर हाउस है वो भी बिल को सेम ऐसे ही इन स्टेजेस से पास होता है, उसके बाद क्या करती है पास कर देती है। इन अनदर हाउस बिल आल्सो पास थ्रू द सेम स्टेजेस, पहले उसमें इंट्रोड्यूस होगा, फिर उसकी अपनी कमेटीज है उसमें जाएगा, उसके बाद मेजोरिटी के साथ ये बिल पास होते हैं। अगर ये बिल है, ये बिल दोनों हाउसेस में पास हो जाए तो मान लिया जाएगा कि बिल पास हो गया। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अगर बिल पास हो जाए अपर हाउस और लोअर हाउस, तब तक बिल पास नहीं माना जाता जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता। यहाँ पर क्या है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट है वो ही तो बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए उसके सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। अगर दोनों हाउसेस में बिल पास हो गया तो मान लिया जाता है कि बिल पास हो चुका है, इस तरह बिल पास होता है। अगर मान लो बिल को पास कर दिया गया और उसके बाद क्या होता है, जो दोनों हाउसेस हैं अपर हाउस और लोअर हाउस, इसमें अगर किसी आर्टिकल को लेकर डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो उसके रिगार्डिंग कैसे डिसीजन लिया जाता है, तो मेथड टू रिसॉल्व द डिफरेंसेस, अगर कोई डिफरेंस आ गया डिफरेंस को रिसॉल्व कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए अगर टू हाउसेस हैं वो आपस में एग्री नहीं है, ओवरऑल मेथड कोई आर्टिकल है उसमें कुछ चेंज करना था, उसी चेंज को हम मेथड कह रहे हैं, उसके रिगार्डिंग दोनों ही डिसएग्री है, तो इसके लिए एक कमेटी है वो अपॉइंट की जाएगी ताकि एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज किया जाए। इस कमेटी में अपर हाउस और लोअर हाउस इन दोनों के मेंबर्स होते हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं। अगर एक बार कोई सुजेशन नहीं निकलता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, सेकंड टाइम थर्ड टाइम इसको बार बार किया जाता है। अगर मान लो जो चेक डेडलॉक था वो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो भी हमारी प्रॉब्लम थी
वो रिजॉल्व नहीं हुई, उसके बाद जो मैटर है मैटर को ही ड्रॉप कर दिया जाएगा, इस पर बाद में नया बिल आएगा और उसके बाद डिस्कशन होगी। तो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो मैटर को ही ड्रॉप कर दिया जाता है। इस तरह स्विट्जरलैंड में जो बिल है बिल को पास किया जाता है, अगर प्रॉब्लम अराइज होती है कंफ्लिक्शन को रिजोल्व किया जाएगा, रिजोल्व नहीं होगा तो मैटर ड्रॉप कर दिया जाएगा। इस तरह बिल पास हो गया। हमने ये भी पढ़ा है कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो वहां पर रिफ्रेंडम की प्रोविजन भी होगी, तो वहां पर रिफ्रेंडम भी कराया जाता है। रिफ्रेंडम कब होता है? अगर कोई सिंपल नॉर्मल बिल है उस पर भी रिफ्रेंडम कराया जा सकता है अगर लोग इसकी डिमांड करते हैं। जब दोनों का बिल है बिल पास हो जाता है, बिल पास होने के बाद पब्लिश किया जाएगा। पब्लिश होने के बाद क्या होता है, अगर 8 कैंटन्स और 50,000 वोटर्स हैं वो कहें कि हम इसको रिफ्रेंडम के लिए लेकर जाना चाहते हैं, लोग इस बिल को अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, तो जब बिल पास हो जाता है पब्लिश होने के विदिन 90 डेज लोग क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं रिफ्रेंडम की कि ये बिल को पब्लिक अप्रूवल के लिए आपको रिफ्रेंडम कराना होगा। अगर लोग डिमांड कर दें, उन्होंने इनिशिएटिव किया कि हमको ये रिफ्रेंडम कराना है, उसके बाद जो पार्लियामेंट है इसके लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि वो रिफ्रेंडम कराएगी ही कराएगी। अगर पब्लिक अप्रूवल मिल जाती है तो बिल पास हो जाता है, अगर पब्लिक अप्रूवल ना मिले तो बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से स्विट्जरलैंड में जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन एंड में अगर बिल पास भी हो गया, बिल पास होने के बाद अल्टीमेटली जो फाइनल अथॉरिटी है वो लोगों के पास ही रहती है, इस तरह वहां पर बिल को पास किया जाता है। लेकिन जो बिल पास होता है इसको पहले कमेटी सिस्टम है इस चीज से गुजरना पड़ता है। जो कमेटी सिस्टम है वो कैसी है? कमेटी सिस्टम इन फेडरल पार्लियामेंट, फेडरल पार्लियामेंट में जो कमेटी सिस्टम है वो कैसी है? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कमेटीज कौन सी होती हैं? स्टैंडिंग कमेटी, जो हर एक कंट्री में प्रिवेल करती हैं। तो स्टैंडिंग कमेटीज, ज्वाइंट कमेटीज एंड अदर कमेटीज। जो स्टैंडिंग कमेटी है इसमें जो लॉर्ड हाउस है एंड अपर हाउस है इनकी अपनी अपनी स्टैंडिंग कमेटीज हैं। जो लॉर्ड हाउस है इसकी 12 स्टैंडिंग कमेटीज हैं एंड जो अपर हाउस है इसकी 11 स्टैंडिंग कमेटीज हैं। जो 12 स्टैंडिंग कमेटीज हैं इनमें से जो 9 कमेटीज हैं वो स्पेशलिस्ट स्टैंडिंग कमेटीज हैं। इसका मीनिंग है वो स्पेशल मैटर्स को लेकर बनाई जाती हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गया, एजुकेशन होगी, इनके साथ रिलेटेड स्पेशल कमेटीज होती हैं। एंड टू सुपरवाइजरी कमेटीज, सुपरवाइजरी कमेटी जो फिनांस को सुपरवाइज करती हैं वो सुपरवाइजरी कमेटी कहलाती हैं। जो लोअर हाउस है इनमें एक और कमेटी है जिसको इम्यूनिटी कमेटी भी कहते हैं। इस तरह लोअर हाउस में 12 कमेटीज हैं और हर एक कमेटी में 25 मेंबर्स होते हैं। जो फेडरल पार्लियामेंट है लोअर हाउस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो 25 मेंबर्स हैं उनमें ही इन कमेटीज को डिवाइड किया जाता है। हर एक मेंबर 2 और 3 कमेटीज के मेंबर बन जाते हैं। इस तरह लोअर हाउस की कमेटीज होगी। अब अपर हाउस की जो 11 स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनमें जो 9 है वो 9 स्पेशलिस्ट कमेटीज हैं, 2 सुपरवाइजरी कमेटीज हैं, इसमें बस 1 इम्यूनिटी कमेटी है वो नहीं होती है। इस तरह जो अपर हाउस है इसमें हर एक कमेटी में 13 मेंबर्स ही होते हैं। और इसके बाद आती है ज्वाइंट कमेटीज जिसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस इन दोनों के मेंबर्स होते हैं। तो जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री रिलेशन पर अगर डिस्कशन करनी है उसके लिए ज्वाइंट कमेटीज हैं जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं। और इनके बाद अदर कमेटीज भी आती हैं, जैसे पार्डन कमेटी होगी, ड्राफ्टिंग कमेटी होगी, जुडिशियल कमेटी होगी। इस तरह अदर कमेटीज हैं वो भी फेडरल पार्लियामेंट में फॉर्म की जा सकती है। इस तरह जो फेडरल पार्लियामेंट है इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किया और उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर करने के बाद फेडरल पार्लियामेंट का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फेडरल सुप्रीम कोर्ट। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।